Let's start our lecture topic. Chapter number 1, matrices and determinants. Exercise number 1.5, question number 4 का सेकेंड पार्ट आज करना था. ठीक है, प्रूफ करना है B into B inverse is equals to I and B inverse into B. अच्छा नहीं, सेकेंड पार्ट मैंने आपको होम असाइनमेंट के लिए दिया था ना शाहजान, ये पार्ट आपने किया अली, आप लोगों ने ये किया शाहजान, यस और नो? यस. बस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज, आपने चेक करना है कि डिटरमाइन द वेदर गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट. अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि आर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर और नॉट. मैं आपको बता देती हूँ कि इफ इन्फो बॉक्स में लिखती हूँ, आपको पता होना चाहिए और इसको अपने माइंड में भी स्टोर रखिएगा. इफ टू मैट्रिसेस After multiplication, this identity matrix, कौन सा matrix होता है? Like that is 1 0 0 1. It means given matrices are multiplicative inverse of each other. Okay, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि कब दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेस होते हैं. अगर आपसे चेक करने के लिए बोला जाए तो अगर उन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जाए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन. मैम ये कौन है? IIUI968 कहाँ है? एक मिनट, ये उम्र नहीं है. खैर 1.5 खत्म हो जाए तो उम्र, आप फर्स्ट क्लास हमारे साथ ले रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड जितना होता है, अदरवाइज ये सारे लेक्चर्स जो हैं आपके यूट्यूब पे हैं, वहाँ से आप जाके शाम में कोई एक टाइम रखें, वहाँ से सारे लेक्चर रिसीव करें. तो जो भी आपको चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होती तो आप मुझसे पूछते भी जाएं कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आई. ठीक है. अच्छा स्टूडेंट्स, टू मैट्रिसेस कब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं? आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उनका आंसर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इट्स मीन वो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं. लाइक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में टू पार्ट्स आपके पास गिवन है, मैं इसका सेकेंड पार्ट करवाती हूँ और चेक करती हूँ कि वेदर ये आपस में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है. मतलब मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखूंगी, अगर आंसर ये आ गया तो कब बोलूंगी यस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ईच अदर, अगर नहीं आएगा तो इट्स मीन दे आर नॉट. लेट चेक. ठीक है, इनको चेक करते हैं. मल्टीप्लीकेशन आप सबको बहुत अच्छे से आती है. रो मल्टीप्लीकेशन, रो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम. तो 1 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 2, 1 मल्टीप्लाई विद 2 एंड देन प्लस का साइन तो 2 मल्टीप्लाई विद 1, फिर 2 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 2, देन 2 मल्टीप्लाई विथ 2
ये माइनस वन है, तो टू मल्टीप्लाई विथ टू एंड थ्री मल्टीप्लाई विथ माइनस वन, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वन था तो यहाँ पे भी टू मल्टीप्लाई विथ माइनस वन, ठीक है, ये मिस्टेक होगी, माइनस वन नहीं राइट। अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या आंसर आता है, थ्री वन जो थ्री, टू टू जो फोर, टू वन जो टू प्लस माइनस माइनस एंड टू वन जो टू, थ्री टू जो सिक्स, थ्री टू जो सिक्स, टू टू जो फोर प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, थ्री वन जो थ्री, ठीक है। अब माइनस करते हैं, थ्री में से फोर, प्लस माइनस माइनस फोर में से थ्री माइनस की वन, जीरो जीरो एंड वन। हमने क्या कहा था कि इफ टू मैट्रिसेस आफ्टर मल्टीप्लीकेशन गिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दे दीज मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेटिव इफ इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो आपके पास आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इसका जो आंसर आया दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इट्स मीन कि गिवन मैट्रिसेस, ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं दे आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो यही आपने प्रूव करवाना था। तो आप लिखेंगे येस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, बस आप येस लिख लें और स्टेटमेंट में से आपने इसको राइट डाउन किया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरीब अली, शाहजान, हसनात, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। ओके, ठीक है, इसे नोट डाउन करें। इसका पार्ट वन आपकी होम असाइनमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स के दो पार्ट्स हैं, उनमें से मैं एक पार्ट करवाऊंगी और बाकी सेकेंड पार्ट आपने खुद करना है। इसे नोट डाउन करके यस बोले। स्नात, आपने लेट ज्वाइन किया था, आपको समझ में आ गई है बेटा? यस मैम, आ गई है। ओके, ये स्टेटमेंट लिख लेना, बस ये माइंड में रखना है कि जब आपके पास क्वेश्चन इस पर आएगा, मैं जो बोल रही हूँ ना जरा से सुनो, चेक वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेस वाले मैट्रिसेस वो होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आंसर 1001 यानी आइडेंटिटी आए। अगर आंसर ये आएगा तो यस बोलेंगे, अगर नहीं आएगा तो नो बोलेंगे। मल्टीप्लीकेशन का वही प्रोसीजर है। मैम कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स पार्ट बी, पार्ट सॉरी टू करवाऊंगी, पार्ट वन आपने खुद करना। Part number 2 is BA ka whole inverse is equal to A inverse B inverse. Left hand right hand side wale question hai ye. Left hand side hai. BA ka whole inverse. आप पहले b लिखेंगे, a लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके उसके आंसर का इनवर्स। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। b का आपके पास है 3 माइनस 2 1 एंड 2, ए आपके पास है 4 0 माइनस 1 एंड 2। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स वाला इसी तरह रहेंगे, फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड,
What is that word? ठीक है, अब इसको एड सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको बिल्कुल इधर करते हैं। अब आपको पता है, ये आपके पास आ गया, आपने निकाला है बी ए का होल इनवर्स। ठीक है, अब इनवर्स लेना है इसका। तो इनवर्स वाला फार्मूला आपने सिंस पढ़ा था, तो बी ए का होल इनवर्स जो है वो बेसिकली इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी ए। तो जो एडजॉइंट डी ए आया, पहले उसका एडजॉइंट ले लेते हैं। उसके एडजॉइंट लिया हमने, इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो गई, 4 11, इन दोनों के साइंस चेंज हो गए, तो माइनस का प्लस में और ये प्लस का माइनस में। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट लेते हैं। इलेवन माइनस 10, 2 एंड 4, 11 into 4 minus 10 into 2. माइनस माइनस प्लस, 10 2 20, आपके पास डिटरमिनेंट क्या आ गया, 64 है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट आ गया 64। नाउ आपने जो फॉर्मूला लिखा था इसमें आप एडजॉइंट की और डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखेंगे, तो बी ए का होल इनवर्स आपके पास आ जाता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आया है 64, अब इसको नंबर से डिवाइड करते हैं हर एक से, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। फोर डिवाइडेड बाई 64, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 64, 10 डिवाइडेड बाई 64, 11 डिवाइडेड बाई 64। अब जो कटिंग करके मैट्रिक्स आता है उसको यहाँ नीचे रह दें। वन बाय 16 और इसकी कटिंग नहीं होती, ये ऐसे ही आ जाए। ठीक है, और ये कटिंग की है मैंने, ये आपके पास आफ्टर कटिंग जो मैट्रिक्स है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। पहले आप ये नोट डाउन कर लें फिर उसके बाद। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड समझ आई है सबको, या रिपीट करूं? मैं एक बार रिपीट कर दें। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड थी डी ए का होल इनवर्स, तो पहले आपने डी और ए को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद इनवर्स लेना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर पहले चीज सॉल्व करते थे। डी का मैट्रिक्स लिखा, ए का लिखा हमने,
फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 3 × 4, 1 × -1, 3 × 0, 1 × 2, -2 × 4, 2 × -1, -2 × 0, एंड 2 × 2. 4 × 3 = 12, ±1, 1 × 1, 3 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8, ±2, 1 = 2, 2 × 0 = 0, 2 × 2 = 4. ये आपके पास डी ए आ गया. अब इसका इन्वर्स लेना है. इन्वर्स आपको पता है ज्वाइंट डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट होता है. तो पहले जो डी ए आया है उसका एडजॉइंट लो. एडजॉइंट में इन दोनों के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे. तो ये एडजॉइंट आ गया. अब इसका डिटरमिनेंट लेना है. तो डिटरमिनेंट में ये पहले मल्टीप्लाई हुए, फिर इन दोनों को किया तो डिटरमिनेंट 64 आ गया. अब इस फॉर्मूले में एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट पुट किया और डिटरमिनेंट की जगह डिटरमिनेंट पुट किया. अब ये डिटरमिनेंट हर वैल्यू के साथ जाके डिवाइड हो गया. यहाँ अपनी कैलकुलेटर से कटिंग कर लें या नंबर से खुद कटिंग कर लें तो आपके पास आ गया ये कटिंग करने के बाद 1/16, -1/32, 5/32 और 11/16. ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. ओके, नोट डाउन कर लें, फिर हम राइट हैंड साइड करते हैं. जब नोट डाउन हो जाए तो यस बोलिए. राइट हैंड साइड है ए इनवर्स इनटू डी इनवर्स. आपको नजर आ रहा है ए इनवर्स इनटू डी इनवर्स है. इट्स मीन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट ए इनवर्स डी इनवर्स, देन उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो फिर आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फॉर ए इनवर्स. ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला बनता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. सिंस ए आपके पास गिवन है 4 -1 0 and 2. अब इसका एडजॉइंट पहले निकाल लेते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में पुट करना है. एडजॉइंट ऑफ ए में आपको पता है इन दो की प्लेसेस चेंज हो जाती हैं. 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा. इन दो के साइंस चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस था प्लस 1 और 0 तो खैर एज इट इज आएगा. अब डिटरमिनेंट लेते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए का डिटरमिनेंट आपके पास है 4 -1 0 and 2. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 4 × 2 माइनस का साइन, -1 × 0 = 0, 4 × 2 = 8. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो आपके पास 8 आ. अब आपने इनवर्स निकालना था. ए इनवर्स में आप पहले एडजॉइंट पुट करेंगे इस फॉर्मूले में और डिटरमिनेंट पुट करेंगे. डिटरमिनेंट आपके पास है 8 और एडजॉइंट आपके पास आया हुआ है 2, 1, 0 and 4. यहाँ स्टूडेंट्स एक अक्सर जो है मिस्टेक तो नहीं करते, वो प्रोसीजर ठीक होता है. यानी इस 8 को हर नंबर से डिवाइड कर लेते हैं. प्रोसीजर तो यही कहता है ना इनवर्स का. लेकिन जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एक तो इनवर्स भी फ्रैक्शन में आ जाएगी वैल्यूज, क्योंकि आप डिवाइड करोगे वैसे मैं लिख रही हूँ, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 2/8, 0/8, 1/8, 4/8. ये ए इनवर्स की आ जाएंगी. सिमिलरली जब आप डी इनवर्स निकालेंगे तो उसका भी कोई इसी तरह फ्रैक्शन में आ जाए. लेट्स सपोज 1/4, 3/4, 6/4 and 5/4. जब ये दोनों मैट्रिसेस आ जाएंगे ऑफकोर्स आपने नेक्स्ट स्टेप में ए इनवर्स डी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये तो फ्रैक्शन में, एंड फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन इज डिफिकल्ट वन, मीन्स उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड फॉर द स्टूडेंट्स लाइक यू, मीन्स आपके एज ग्रुप के बच्चे तो अक्सर फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में मिस्टेक्स करते हैं. सो हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिसेस को कन्वर्ट नहीं करेंगे ताकि हमारे मिस्टेक के चांसेस कम से कम हों. तो हम इस 8 को फिलहाल हर वैल्यू के साथ डिवाइड नहीं करें, उसको 1/8 करके मैट्रिक्स के बाहर रख लें ताकि एंड पे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन हम
जो मैट्रिक्स आएगा उसके साथ इस 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये मैंने क्यों किया? शाहजान, एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम. मैंने इस सेट को हसनाक, मैंने इस सेट को डिवाइड नहीं किया हर वैल्यू के साथ. मैंने रीजन बताई ना क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे ना मैट्रिसेस, तो जब उनकी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे ना आपस में, तो उन मैट्रिसेस में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे. दैट्स व्हाई मैंने प्रेफर किया कि अभी 8 को फिलहाल डिवाइड नहीं करते, ए इनवर्स को 1/8 करके साइड पे कर देते हैं, ताकि जब डी इनवर्स भी निकालना है ना अभी, तो डी इनवर्स निकालने के बाद जब ए इनवर्स और डी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड पे जो है हमारा आंसर में मिस्टेक ना हो. दिस इज द रीजन. मैं निकालती जा रही हूँ, फिर ज्यादा आपको समझ आती जाएगी. अब सेकेंड आप करें फॉर डी इनवर्स. यस मैम, आ गया. ठीक है, फॉर डी इनवर्स, तो डी इनवर्स का जो फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी, इसके भी निकालते हैं वैल्यूज. सिंस डी आपके पास है, अब इसका एडजॉइंट ले लें. इन दो के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे और इन दो के साइंस चेंज हो जाएंगे. ये -2 है तो प्लस हो जाएगा और ये -1 में चेंज हो जाएगा. अब आपने डिटरमिनेंट ऑफ डी लेना है, -2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड -2 × 1, 3×2 = 6, -2 + 2 = 1. तो ये आपके पास 8 आ जाता है. तो डी इनवर्स भी आपके पास आ रहा है, एडजॉइंट आपके पास था उसका 2, 2, -1 and 3, डिटरमिनेंट उसका 8 आया. अगेन अभी हम 8 को इसके साथ डिवाइड नहीं करेंगे, 1/8 करके सेपरेट कर देंगे और इस मैट्रिक्स को इस तरह सेपरेट लिख देंगे ताकि एंड पे मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम ना हो. अब डी इनवर्स भी आ गया, ए इनवर्स भी आ गया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं नाउ. असल में ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स करना था, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स. तो ए इनवर्स आपके पास आया हुआ है 1/8, 2, 1, 0, 4 और सॉरी, और डी इनवर्स आपके पास आया हुआ है 1/8, 2, 2, -1 and 3. अब ये नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिनोमिनेटर्स और न्यूमिरेटर्स, इसकी 1/8 और 1/8 की बात कर रही हूँ. तो 8 8 = 64 और आप अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में मैट्रिसेस की. ठीक है, ये मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 2 × 2 + 0 × 2, 2 × -1 + 0 × 3, 1 × 2 + 4 × 2, 1 × -1 + 4 × 3. अब आपके पास क्या आता है, 2 × 2 = 4, 0, -2 = 0, 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8, -1 और 4 × 3 = 12. अब कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आता है 4 − 2 = 10, 11. अब 1/64, अब ये जो 64 है ना स्नाथ एंड एवरीवन, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हर टर्म के साथ लाइक दिस. 1/64 × 4, 1/64 × -2,
1 by 64 into 10, 1 by 64 into 11. कटिंग करते हैं आप, जैसे 4 की अगर 64 से कटिंग करेंगे तो 4 1s are 4, 4 16s are 64, 2 1s are 2, 2 32s are 64, और 2 5s are 10, और 2 32s are 64, और ये 11 से कटिंग नहीं होती. तो आपके पास आंसर आ गया 1 by 16 minus 1 by 32, 5 by 32 and 11 by 64. अब देखें आप the left hand side का आंसर और right hand side का आंसर दोनों सेम आ गए, तो एंड पे आप लिख लेना hints prove left hand side is equals to right hand side. Okay students, is it clear to everyone? शाहजहां बेटा आप लोगों को समझ आ गया? असनाफ अली हरीफ? यस मैम. गुड. इसका दो पार्ट्स थे, एक पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, एक मैंने करवा दिया. होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोग इजीली इसको कर लेंगे. ठीक है, नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद हम लेक्चर